अरे जादू तेरा सर आ रहा है। एंड रवि दुबे जो टीवी से बॉलीवुड में अपनी छलांग मारे और इन तीन देवों को देव बनाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है। यस सर प्लीज शूट। एक इंसान को पेश कर रहा हूँ और वही करता रहूंगा जिंदगी भर। देखो मैं कोई पेंटर नहीं हूँ तो मुझे शेड नहीं पता। मुझे इतना पता है कि इंसान में हर प्रकार का भाव होता है उसको मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। कौन से जॉनर की मूवी है? एक्शन है, थ्रिलर है, ड्रामा, सस्पेंस? दिस इज अ सटायरिकल कॉमेडी, आउटराइट लाफ राइट। जहाँ तक मेरा सवाल है, टेलीविज़न करते हुए तकरीबन 11 साल हो गए मुझे और मैंने मेरे साथ मेरे सीनियर्स हैं, के सर है, करण इज अ सीनियर, कुनाल हैज बीन डूइंग वर्क फॉर सो लॉन्ग, सो एक्चुअली आई एम वर्किंग विद पीपल जहाँ मुझे मौका कुछ सीखने का हर फ्रेम में मिलेगा। अंकुश इज देयर, फैबुलस फैबुलस डायरेक्टर। और जो आपका सवाल है कि क्या मैं पूरी तरह इसमें घुसना चाहूँगा या फिर कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको दो डोमेन्स में वैल्यू क्रिएट करने के लिए किसी एक डोमेन से डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है।
So at this point of time, there is immense value that television is creating in my life, and I'm 100% sure that whenever the film does come out, it will create as much or more value in my life. So mujhe nahi lagta ki mujhe disconnect karne ki zarurat hai. Filhal jis tarike se chal raha hai, main bahut khush hoon. Kunal, so my question is for your turn. Devda suna hai, Devdi suna hai, all of them suna hai. What is this three day? We can tell you what three means, right? Huh? This one, two, and three. Dev, well, keep his earth. So, but if something knowledge is dangerous, so you can put it on the side. Thoda bahut danger to life. Let's put a stop at it now only because this Kunal, is over, it becomes very dangerous. Kunal, mera sawal aapse hai ki Hindu mythology mein hamesha Brahma, Vishnu, Mahesh ko hi three dev kaha gaya. तो इसमें से डिजास्टर कौन है, कौन महेश बन रहा है, मतलब शंकर भगवान का रोल कौन अदा कर रहा है? कॉन्सेप्ट तो इसी तरीके का कुछ ना, हाँ इसी तरीके का. गुड गेस. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट या यू आर ऑन द राइट ट्रैक. थैंक यू. करण, हमेशा जैसे आपकी जो फिजिकलिटी है, आपकी जो बॉडी है, वो एक बहुत ज्यादा मूड फैक्टर रखती है, और अनुन में उसका काफी एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से. कुछ भट्ट से भी जाना चाहूंगी और आपसे भी कि इस फिल्म में उस तरह की मतलब आपकी फिजिकलिटी को दर्शाया जा रहा है. आप कंफ्यूज हो चुके हैं, आप मेरी बॉडी के बारे में. क्या ज़रूरत है वो दर्शाया गया इस फिल्म में, और इसमें कोई भी चीज़ गंभीर तरीके से नहीं दर्शाया गया, और बहुत मुश्किल है वो चीज़ करना. ह्यूमर एलिमेंट के अंदर वो चीज़ लाना बहुत मुश्किल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी. साजिद वाजिद साहब, आप बताइए कि इसमें अपने प्रोपोजिशंस की है, इसमें वजन है या क्या?